हेलो स्टूडेंट, तो वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। देखिए, CLW की तरफ से ITI पास छात्रों के लिए अप्रेंटिसशिप वैकेंसी निकाली जा चुकी है। चित्तरंजन लोकोमोटिव वर्क्स की तरफ से आपके लिए अप्रेंटिसशिप वैकेंसी निकाली जा चुकी है। जो ITI पास छात्र हैं, जिन्होंने NCVT से ITI क्या कर रखी है, पास कर रखी है, ऐसे छात्र इसमें फिल कर सकते हैं, यानी कि एलिजिबल हैं। तो डियर, देखिए इसमें क्या है, आपका जो ऑनलाइन एप्लीकेशन डेट है ये है आपकी 27 मार्च 2024, और लास्ट डेट आपकी रहने वाली है यहाँ पर 5 मार्च 2024। ठीक, तो यानी कि आपके पास बहुत कम समय है, तो आप इसको, यदि आप एलिजिबल हैं और फिल करना चाहते हैं, तो आप इसमें फिल कर सकते हैं। देखिए, टोटल पोस्ट इसमें हैं आपकी 492, जो कि आपकी ट्रेड वाइज और कैटेगरी वाइज यहाँ पर रखी गई हैं। ट्रेड, 7 ट्रेडों को यहाँ मौका दिया गया है, फिटर, टर्नर, मशीनिस्ट, वेल्डर, इलेक्ट्रीसियन, रेफ्रिजरेटर और पेंटर। ठीक है डियर, जिसमें कि आपको फिटर में मिल जाती हैं 200 टोटल सीटें, और टर्नर को मिल जाती हैं 20, और मशीनिस्ट को मिलती हैं यहाँ पर 56, वेल्डर को मिलती हैं 88, और इलेक्ट्रीसियन को 112। रेफ्रिजरेटर, AC जो होता है आपका, AC कंडीशनर, RAC वाले जो कैंडिडेट हैं, इनको 4 सीटें यहाँ पर मिल जाती हैं, और यहाँ पर आपका जो पेंटर वाले कैंडिडेट हैं, इनको 12 सीटें यहाँ मिल जाती हैं। ठीक है, तो यहाँ पर कैटेगरी वाइज आपकी सीटें दी गई हैं, और आपकी टोटल सिर्फ सीटें हैं ये हैं आपकी 492। ठीक है डियर, अब देख लेते हैं हम इसमें कि आपकी एलिजिबिलिटी क्या है। एलिजिबिलिटी जो आपकी रहने वाली है एज की, ये आपकी मिनिमम 15 साल और मैक्सिमम आपकी 24 ईयर आपकी होनी चाहिए। ठीक है, जिसमें कि आपका UR, OBC, SC, ST वाले कैंडिडेट को यहाँ पर छूट मिल जाती है एज में, तो आप अपना चेक कर सकते हैं। यदि आप एज से ओवर हो गए हैं, तो आप यहाँ पर चेक कर सकते हैं कि आपको कितने साल की यहाँ छूट दी गई है, उसी आधार पर आप अपना फॉर्म फिल करवा सकते हैं। ठीक है, जिसमें कि आपको PW वाले जो कैंडिडेट हैं, PWD वाले, इनको 10 ईयर का यहाँ पर रेफरेंस टू पॉइंट नंबर 3 above, यानी कि 10 ईयर का यहाँ पर आपको क्या मिल जाती है, छूट मिल जाती है। और यहाँ पर आपका जो है, ये क्वालिफ़िकेशन की मैं बात करूँ आपकी, तो देखिए क्वालिफ़िकेशन की यहाँ पर बात की जाए, तो आपका ITI जो कि NCVT से आपको पास हो, सर्टिफिकेट आपके पास आ चुका हो, तो वो छात्र यहाँ पर एलिजिबल हैं। प्लस आपका 10th आपने पास कर रखी हो, और ITI, ठीक है, मैट्रिकुलेशन से। तो यहाँ पर क्या है, आपका जो 10th है और ITI है, ये आपने कंप्लीट कर ली हो, NCVT से आपकी ITI हो रखी हो, तो आप इसमें एलिजिबल हैं फॉर्म अप्लाई करने के लिए। अप्लाई कैसे करना है, ये इनकी ऑफिशियल वेबसाइट है, यहाँ पर जाके आप अपना फॉर्म फिल कर सकते हैं। ओके, और देखिए यहाँ पर मैं यदि बात करूँ, जो आपका ट्रेनिंग पीरियड टाइम, जो आपको स्टाइपेंड मिलेगा, जिसे आप स्टाइपेंड बोलते हैं, तो ये वैसे आपका होता है 7000 से 8000 के बीच, है ना। बाकी यहाँ पर आपको दिया गया है, एज़ पर द एक्सटेंड रूल एंड डायरेक्टिव्स इशूड बाई रेलवे बोर्ड फ्रॉम टाइम टू टाइम, यानी कि टाइम टू टाइम आपको मिलता रहेगा। और मोड ऑफ सिलेक्शन की मैं बात करूँ, तो देखिए डियर यहाँ पर क्या है, आपका जो सिलेक्शन होता है ये मेरिट बेस पर होता है। 10th प्लस ITI की जो आपकी परसेंटेज है, उसको प्लस करके जो परसेंटेज निकाली जाती है, उस बेस पर यहाँ पर आपका सिलेक्शन होता है। ठीक है, 1 ईयर की ये आपकी अप्रेंटिसशिप रहती है, जिसके दौरान पर मंथ आपको 7000 से 8000 आपको पर मंथ पे किया जाता है स्टाफ फंड के रूप में, जिससे कि आप अपना खर्चा कर सकें। ठीक है, ये आपकी हो जाती है कोई ज़रूरी सूचना। तो आप जो जो आपको डॉक्यूमेंट इसमें लगने हैं, डॉक्यूमेंट आपके, आप वो लेकर अपने कैफ़े वाले भैया के पास पहुंच जाएं और अपना फॉर्म फिल करा सकते हैं। आपकी अप्रेंटिसशिप और ITI से निकली गई जॉब और ITI की जो क्लासेस हैं, जो छात्र अभी ITI कर रहे हैं, उनके लिए हमारे चैनल पर क्लासें अपलोड की जाती हैं, और आपको अच्छे से समझाया पढ़ाया जाता है। तो डियर, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर सकते हैं। यदि आप हमारी वेबसाइट पर जाकर इसकी फुल डिटेल आप देखना चाहते हैं, इस अप्रेंटिसशिप वैकेंसी की,
तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने वेबसाइट का लिंक दिया है, आप वहाँ से हमारी वेबसाइट पर विज़िट कर सकते हैं। यदि आप नोट करना चाहते हैं हमारी वेबसाइट, तो ये है www.missncbt.com। आप इस वेबसाइट को गूगल क्रोम ब्राउज़र या फिर आप ब्राउज़र पे इसको सर्च कर सकते हैं। वहाँ से आप हमारी वेबसाइट पर पोस्ट चेक कर सकते हैं, आपको ये पोस्ट मिल जाएगी जहाँ आपको आपकी कैटेगरी वाइज और ट्रेड वाइज यहाँ पर आपको क्या मिल जाएंगी, सीटें देखने को मिल जाएंगी। ठीक है डियर।